क्या स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो क्या यहाँ पर निवेश करना सही है? कभी भी ऑल टाइम हाई पे निवेश करना बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन जिस तरह का बुल रैली चल रहा है, देखिए यहाँ से निफ्टी जो है 7503 से यहाँ से बुल रैली में चल रहा है और अभी 15923 पे है। तो जब इस तरह का बुल रैली चल रहा हो तो क्या पता यहाँ से निफ्टी 18,000-20,000 भी जा सकता है। तो यहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए, लेकिन आपको अपना पूरा कैपिटल नहीं लगाना है, मात्र कैपिटल का 10% निवेश करना है। जब यहाँ पर एकदम निफ्टी जो है बॉटम पे था, तो यहाँ पर आप अपना 100% भी निवेश कर सकते थे। ऐसे 100% कभी करना नहीं चाहिए, 80% तक निवेश करना चाहिए अपने कैपिटल को। और यहाँ पर निफ्टी अगर ब्रेकआउट दे देता है 15,925 के ऊपर और 16,000 को क्रॉस कर जाता है, तो फिर यहाँ से आपको 16,200 दिखेगा, फिर निफ्टी क्या पता 18,000 भी चला जाए। तो इसलिए निवेश जरूर कीजिए, अपने छोटे से कैपिटल को कीजिए, पूरा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना है। और कभी भी निफ्टी गिरावट में आता है, मतलब स्टॉक मार्केट गिरावट में आता है, तो आपको पूरा निवेश करना है। यहाँ से अगर निफ्टी तेजी दिखाता है, तो अगर निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट जाता है, तो आपका जो स्टॉक होगा वो 20% 30% तक का रैली दिखा सकता है। तो ये होता है स्टॉक मार्केट, इसमें हमेशा आपको निवेश करे रहना है, लेकिन कभी अपने पूरा कैपिटल निवेश नहीं करना है जब तक कि स्टॉक मार्केट अपने बॉटम पे ना हो। अगर बॉटम पे है तो पूरा निवेश कीजिए, अगर बीच में है तो 50% निवेश कीजिए। तो ये इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटजी अपना करके आप अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें।